और ये किसी की डस्टबिन है, लेकिन ये वाली पड़ी है और यूज पूरा यहाँ के जितने स्टॉल वाले हैं सब कर रहे हैं भाई। यहाँ से बिजली का जो तार है वो धुआं भी दे रहा है। हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम चौधरी डीजाद एलके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑन ब्लॉग। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज हम आए हुए हैं झूलेलाल पार्क लखनऊ में। तो यार आज के दिन जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला है। तो ये पार्किंग में आप जो गाड़ियाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे खचाखच गाड़ियाँ भर गई हैं, और उस साइड भी पार्किंग लगी हुई है तो वहाँ भी गाड़ियाँ भर गई हैं, और उसके ऊपर भी है तो वहाँ भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है आज के दिन। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर और आपको दिखाते हैं हम गणेश चतुर्थी का। आज है तीसरा दिन, सो आज गेट के बाहर ही कितनी ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हो। इस टाइप पार्किंग में ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई, इस साइड भी है, मतलब हर तरफ है। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है उसका नाम है गणपति उत्सव। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड नज़र आ रहा है हमें, हालांकि उस टाइम पे ये सब नहीं था, लेकिन आज आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह लग चुके हैं, काफ़ी प्रॉपर सज चुका है। क्या कह रहे हो, आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सॉरी मेरे मुँह से निकल गया था चौथा दिन, लेकिन आज चौथा नहीं, आज तीसरा दिन है। तो आज तीसरा दिन है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। आज झूले भी स्टार्ट है भाई, सब कुछ एकदम प्रॉपर चल रहा है यहाँ पर। तो झूले वूले बढ़िया मस्त लाइटिंग वगैरह हो गई है मंदिर की ओर। पहले हम वहाँ पर दिखाते हैं आपको, गणपति जी के दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ों को आपको दिखाते हैं और प्रोग्राम क्या हो रहे हैं उन प्रोग्राम्स को भी हम दिखाते हैं आपको। जो जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं तो हम प्रोग्राम भी कवर करने वाले हैं। आज इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो पहले हम चलते हैं पंडाल की ओर और पंडाल में आपको दिखा देते हैं सारी चीज़ें। तो आज हमें एक भाई ने मैसेज किया था कि इतना ज़्यादा क्राउड तो नहीं कि धक्का मुक्की होती है, तो मैंने कहा था इतना क्राउड नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना क्राउड नहीं, आप नॉर्मली आप निकल सकते हैं, आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अगर छोटा बच्चा या कोई भी हो तो यहाँ पर आराम से आप घूम सकते हैं और दर्शन भी हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। इतनी ज़्यादा क्राउड नहीं है, बस नॉर्मली चलना होता है और वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वहाँ से फिर आप बाहर भी निकल जाएंगे। तो चाहे 6 महीने का बच्चा हो और चाहे जो कुछ भी, आप आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। बाकी ये है सेल्फी पॉइंट, सेल्फी पॉइंट पर सब लोग वही फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। तो आपको हम दिखाते हैं सामने से जो गणपति जी हैं पंडाल के अंदर। तो यहाँ पर आपको करवाते हैं गणपति जी के दर्शन। आज इस साइड पे ये बैरिकेडिंग टाइप ये लगा दिया गया भाई। अच्छा, यहाँ परफॉर्मेंस वगैरह स्टार्ट होने वाली भाई। आने वाले जितने भक्त हैं जो लाइन लगा कर के रखते हैं सब का ये सभा मणि कहती है, तभी तो आपको एक चीज का जो लड्डू मिलता है। आप ऐसा सोचते हो क्या कि लड्डू वहाँ पड़े हैं? ये सभा मणि जो चढ़ाते हैं उन्हीं की तरफ से आपको एक चीज का जो लड्डू मिलता है रोज के। अरे सांस खींच के बोलो भाई, ये तो पूरा है, पूरा खींच के पंडाल का आइटम ऐसे ऐसे। लेकर सवा मणि का थाल जो भोग लगाने आए हैं।
नहीं हो सके। जैसे हाँ बिल्कुल होगा मार्केट के अंदर। मार्केट मतलब जो यही लगी हुई है, अंदर स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पर आ गए हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का जो सीन है वो कितना प्यारा है। भाई साहब हमको मेले में एक चीज दिखी है जो यहाँ पर गणपति उत्सव का जो ये पूरा स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर एक चीज दिखी है मुझे, लेकिन हर कोई देख रहा हूँ मैं कि अपनी कोई दुकान में मस्त है, कोई दुकान चला रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, मतलब सारी सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत गंदी है। क्या कह रहे हो? जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। मतलब अगर से मतलब नहीं रखना चाहिए और पैसे कमाने देखो, मतलब नहीं रखना चाहिए। जितने भी स्टॉल वाले हैं सबको एक एक डस्टबिन अपनी रखनी चाहिए, और ये किसी की डस्टबिन है लेकिन ये वाली पड़ी है और यूज पूरा यहाँ के जितने स्टॉल वाले हैं सब कर रहे हैं। तो भाई यहाँ की गंदगी वालों को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का, तो गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, ये स्टॉल वालों की देखभाल है, तो यहाँ के जो स्टॉल वाले हैं वो सब अपने अपने स्टॉल पे एक डस्टबिन जरूर रखें, तो इस चीज़ का इतना ज़रूर ध्यान रखें। भाई यहाँ से बिजली का जो तार है वो धुआं भी दे रहा है, ये भी गलत, ये भी चिपकने ही वाला है। आज गणपति उत्सव का तीसरा दिन है, तो आज के दिन तीसरे दिन काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो चुका है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं, तो यहाँ की भीड़ कुछ इस टाइप है कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई यहाँ पर कि आप देख लो, लेकिन ऐसी भी इतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं है कि यहाँ पर छोटे बच्चे ना पाएँ और कोई आ ना पाए, लेकिन आप नॉर्मली घूम सकते हो, जैसे बच्चे घूम रहे तो यहाँ पर आप नॉर्मली घूम सकते हो, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता कि आप यहाँ पर आ ना पाओ। और बढ़िया भाई, ये मैंने सैंडल्स दिखाई थी, जिसे भी सैंडल्स लेनी है, लड़कियों अगर वीडियो देख रही हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए हो सकती है, यहाँ पर आओ और यहाँ पर सैंडल्स वगैरह ले सकते हो, कोई भी ले लो, 200 रुपये की है मात्र। ऑलरेडी तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं चला डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते हैं। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, टेक इट टू द नेक्स्ट, बाय बाय, जय हिंद, बूम, बाकी सब बढ़िया है, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आप लोग यहाँ पर विजिट करें भाई, इंजॉय करें, बहुत ही घूमने लायक, बहुत ही अच्छा है, और बाकी पार्किंग वगैरह आपको बहुत ही मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम, मेले की तरह लगा हुआ है, झूले भी लगे हुए हैं, खाने स्टॉल भी लगे हुए हैं, दर्शन करें, इंजॉय करें, खाना पीना खाएं, दर्शन करने जाएंगे वहाँ पे आपको लड्डू भी खाने को मिलेगा मीठा मीठा सब प्रसाद के तौर पर, बाकी सब बढ़िया है। बाय, सब्सक्राइब करके जाना। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या।